बाइट डिस्चार्ज रेमेडी, सफ़ेद पानी आना, कब बन जाती है परेशानी, इन पांच चीज़ों से घरेलू क्वेरियम का घर पर उपचार। आज हम बात करेंगे सफ़ेद पानी की, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। कुकिंग विद कौर में आपका स्वागत है। चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। सफ़ेद पानी का घरेलू उपचार, मेथी के दाने। मेथी के दाने सफ़ेद पानी के लिए बहुत ही कारगर एक रामबाण इलाज है। आपको भी ये सभी घर में आम ही पाए जाते हैं। पानी में उबालकर मेथी के दानों का सेवन करें, सफ़ेद पानी की समस्या दूर हो जाती है। आप मेथी के दानों को 500 मिली पानी में तब तक उबालें जब तक के पानी आधा ना रह जाए, फिर इस पानी को ठंडा होने पर पी लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, भिंडी से दूर होगी सफ़ेद पानी की समस्या। कई लोगों की पसंदीदा भिंडी सफ़ेद पानी की समस्या के इलाज के लिए एक अच्छा उपाय है। सफ़ेद पानी से प्राकृतिक रूप से राहत पाने के लिए आप भिंडी को उबाल कर उसके गाढ़े घोल का सेवन कर सकते हैं। कुछ महिलाएं भिंडी को दही मिलाकर इसका सेवन करती हैं। बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, धनिए के बीज से करें सफ़ेद पानी का उपचार। सफ़ेद पानी को रोकने के लिए धनिया के बीजों का उपयोग प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जा सकता है। इसके सेवन के लिए कुछ चम्मच धनिए के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इस पानी को छानकर और खाली पेट इसे पी लें। जय बिना किसी जोखिम के सफ़ेद पानी का इलाज करने के प्राकृतिक उपचारों में से एक माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे, आंवला है सफ़ेद पानी का रामबाण दवा। लकोरिया का आंवला से ठीक किया जा सकता है। आप आंवले के टुकड़ों को काटकर धूप में सुखा लें, उन्हें पीसकर पाउडर निकाल बना लें। अब दो चम्मच चूर्ण लें और उसमें उतनी ही मात्रा में शहद मिलाएं। एक बार पेस्ट तैयार हो जाने के बाद प्रभावी उपचार करने के लिए इस पेस्ट को दिन में दो बार सेवन करें। आपका आंवला पाउडर और शहद को पानी में मिलाकर पर्याप्त मात्रा में पी सकते हैं। अब हम बात करेंगे, तुलसी से करें सफ़ेद पानी की दिक्कत दूर। लंबे समय से लोग पानी के इलाज के लिए प्राकृतिक घरेलू उपचार के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तुलसी के पत्तों का रस बनाकर उसमें शहद मिलाएं, उसे रोजाना दो बार पीने से सफ़ेद दाग की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वैकल्पिक रूप से आप सफ़ेद पानी की